Hi everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. तो कुछ टाइम पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, वहाँ पे मैंने पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना है, माई ब्रोंकोस्कोपी एक्सपीरियंस और माई लंबर पंक्चर एक्सपीरियंस. तो आप लोगों ने ब्रोंकोस्कोपी को ज़्यादा वोट दिया था, 65% वोट्स. तो हियर आई एम टूडे शेयरिंग माई ब्रोंकोस्कोपी. So if you're new here, hi, my name is Aarti. I make vlogs and health related videos here, especially tuberculosis related videos because I am also a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकोस्कोपी क्या है. ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आपके डॉक्टर्स आपके लंग्स के अंदर एयर पैसेजेस में देख सकते हैं. तो ये प्रोसीजर में एक छोटा सा थिन ट्यूब यूज होता है जिसको ब्रोंकोस्कोप कहते हैं. तो वो जो ट्यूब है आपके नोज से या फिर आपके माउथ से अंदर डाला जाता है, तो वो पूरा इधर से होते हुए लंग्स तक जाता है. और वो जो ट्यूब है उसमें एक कैमरा लगा होता है जिससे डॉक्टर्स जो है आपके लंग्स के अंदर एयर पैसेजेस में देख सकते हैं. ब्रोंकोस्कोपी का यूज जो है वो सैंपल लेने के लिए भी हो सकता है, जैसे म्यूकस ले सकते हैं लंग्स से या फिर कोई टिश्यू ले सकते हैं अगर फर्दर बायोप्सी होनी है. तो मेरे केस में क्या हुआ था कि ब्रोंकोस्कोपी से मेरा सैंपल लिया था लंग्स से और उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजा था. तो अब हम बात करते हैं कि ब्रोंकोस्कोपी किन पेशेंट्स में किया जाता है, किस चीज का प्रॉब्लम है ये. तो ब्रोंकोस्कोपी जो है लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनमें किया जाता है. अगर किसी को ब्लड में कफ हो रहा है या फिर किसी को पर्सिस्टेंट कफ है, बहुत दिनों से कफ है, किसी को टीबी का डाउट है, तो उन लोगों में जो है ब्रोंकोस्कोपी किया जाता है. ओके, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, मेरा कैसा एक्सपीरियंस था. तो फर्स्ट टाइम ब्रोंकोस्कोपी हुआ था मेरा, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो ब्रोंकोस्कोपी हुआ नहीं था. तो फर्स्ट टाइम मेरा ब्रोंकोस्कोपी हुआ था. तो ब्रोंकोस्कोपी होने से पहले किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ब्रोंकोस्कोपी होने से 4 घंटे पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है. आप पानी पी सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सिप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, और खाना 4 घंटे पहले तक आपको नहीं. फ्रेंड्स, अगर बाहर से थोड़ी सी आवाज़ आए तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे से मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए और बाहर से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि बंद ही नहीं हो रही है, दूसरे बिल्डिंग पे काम चल रहा है. तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना एंड लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो. तो जब मुझे ब्रोंकोस्कोपी लैब में लेके गए तो उन्होंने बोला कि मुझे लाई डाउन करने के लिए, तो मैंने लाई डाउन किया. और उसके बाद जो है उन्होंने मॉनिटर्स कनेक्ट किए जिससे वो ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट को जो है वो ट्रैक कर सके उस टाइम पे, प्रोसीजर के टाइम पे. तो उन्होंने वो मॉनिटर्स कनेक्ट किए और ऑक्सीजन लगा दिया और सब कुछ हो गया. तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद जो है प्रोसीजर स्टार्ट हुआ. तो जब प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो एक थिन ट्यूब जो ब्रोंकोस्कोप मैंने बताया था वो मेरे नोज से अंदर उन्होंने इंसर्ट किया. तो जब वो इंसर्ट कर रहे थे ना तो थोड़ा थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वो नोज के अंदर से जाके अंदर से ऐसे ऐसे अंदर जा रहा था. तो मुझे पूरा फील हो रहा था कि वो अंदर जा रहा है. और जब मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हुआ. पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ, पेन नहीं था, लेकिन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था. ऐसा लग रहा था गले में कि बहुत कुछ अटक गया है और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी. कंटिन्यूसली मुझे खांसी हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ. तो खांसी हो रही थी, कुछ अटक गया ऐसा लग रहा था और सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. बट डॉक्टर्स बोल रहे थे कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी हो जाएगा, तुम ऐसे ही रहो ऐसे ही रहो. तो मुझे 15 to 20 minutes लगे थे और उसके बाद उन्होंने मुझे वार्ड पर शिफ्ट कर दिया था. तो ब्रोंकोस्कोपी होने के बाद क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो मेरा जो है जब मुझे लैब से लेके आए वार्ड में, तो उसके बाद मेरे थ्रोट में काफ़ी नमनेस आ गया था और मैं बोल नहीं पा रही थी. मैं बोल पा रही थी लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, बहुत ही सोर हो रहा था थ्रोट, तो बोलने में अनकंफर्टेबल हो रहा था. और ब्रोंकोस्कोपी के बाद भी आपको 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है. तो 2 घंटे बाद जब आप खाते हो तो आपको पहले थोड़ा सा पानी पीना है और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप खा सकते हो, लेकिन आपको जो सॉफ्ट फूड होता है वैसा खाना है, जैसे आप बनाना खा सकते हो या फिर कोई भी सॉफ्ट फूड खा सकते हो. तो आपको जो रोटी और ये सब चीज़ें होती है वो डायरेक्टली नहीं खाना है, पहले पानी पीना है, थोड़ा सा सॉफ्ट फूड खाना है, उसके बाद आप खा सकते हो. तो अब हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं. तो ब्रोंकोस्कोपी के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो इतना सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है,
आपको थ्रोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बात करने के लिए, पानी पीने के लिए सोर थ्रोट हो सकता है, थ्रोट में थोड़ा सा पेन हो सकता है। उसके बाद जो है आपको फीवर भी हो सकता है। अगर आपको 24 आवर्स से ज़्यादा फीवर हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और कभी कभी पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है, सीरियस हो जाती है, उस केस में ICU में शिफ्ट करना पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है। तो मुझे ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद कुछ भी इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुआ था, बस मुझे जो है थोड़ा सा थ्रोट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, नंबनेस हुआ था, और बाद में जब मैंने खाना खा लिया बोलने लगी तो नेक्स्ट डे से मेरा थ्रोट जो है वो ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको फीवर है, 24 आवर्स से ज़्यादा फीवर आता है, या फिर आपको ब्रोंकोस्कोपी के बाद कफिंग होती है एंड उसमें अगर ब्लड आता है, चेस्ट में ज़्यादा पेन होता है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। सो गाइज, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट माई फर्स्ट ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी वॉज नॉट पेनफुल, मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हुआ था गले में। जब ब्रोंकोस्कोपी का प्रोसीजर हो रहा था तो उस टाइम गले में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी और लग रहा था कि सांस रुक रही है, ऐसा वाला फील हो रहा था। बट दैट वॉज जस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। जैसे ही प्रोसीजर खत्म हुआ मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला और उसके बाद इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप लोग मेरे दूसरे टेस्ट के एक्सपीरियंस भी देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।